ഹലോ, ഹലോ 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 भैया 1511 रुपये का पुरस्कार उनको भरा रहे भंडार। बोलिए कन्हैया लाल की, जनरा बोलिए राधा मैया की, बोले भगवान कन्हैया की। तो भैया भगवान कन्हैया देखते हैं मटकिया टंगी हुई है और जा रहे हैं अपनी सखा लिए, सखा लिए अपनी जा रहे हैं भगवान कन्हैया। तो एक दिन कहा कृष्ण महाराज, सखा तुम सुनो हमारी बात, चलो तुम आज हमारे साथ खवई बैत दिमाग खान भात।
तो वृंदावन की कुल जगल न मारहे तका सुर जाय। वृंदावन की कुल जगल न मारहे तका सब जाय। श्याम गए जब ब्रज अंतर घुसे एक ब्रज नारी के घर, तो देखा ऊपर जन जब एक नजर तुम मथनी टांगी शिकार पर, तो ऊंचे मटकी छोट कन्हैया मन मा करे विचार। फिर क्या किया? तो करला पकाया जब ऊपर, तो मटकी छुए न पाई है, भैया ढूंढ कर लाओ एक पत्थर में मारू इसकी तेबी पर, तो फोर दे न गौरस के मटकी बहाय लागत जाय। ऊपर तेने बोले कन्हैया हटाए लिया ग्वाला उदत की एक और के कर दे राजा नहीं मटकी फोड़ दिया, जब तोड़ दिया भगवान कन्हैया ने मटकी, ऊपर से भैया ग्वालों से कहने लगे भैया खालो दहिया खूब टिको टिको मतलब खाओ दही। तो कहा ग्वालों ने इकट्ठा, दही आया अपने ग्वाल ने खाया तो लगा खट्टा खट्टा, तो कहा ग्वाल तुम सुनऊ कन्हैया यो घटी काका, यो घटी का हमारे भैया यो घटी काका, राजा नहीं बात
भगवान कन्हैया से ग्वाल कहने लगे, तुम तो भैया हमारे से बड़ी घाट की हो, माखन वलैया मठा रहा तो अपना आप ऊपर खाए गयो, हम का नीचे कर भैया का देव निचोर है मिला। तो भैया जान क्या हुआ, तो होने लगा ग्वालों में झगड़ा, राधिका सोई कर जागी, झपट के श्याम को पकड़ा, तो ग्वाल बाल सा भाग गए निकल गए घर द्वार। निकल गए घर द्वार, अरे भैया निकल गए घर द्वार।